हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट के बाद आज मैं अक्षय कुमार जी का ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं और मैं आपको पूरी तरह से इसकी आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। परफेक्ट आउटलाइन किस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में सलमान खान, नरेंद्र मोदी जी के स्केच ट्यूटोरियल अपलोड किए थे, आउटलाइन आपको परफेक्टली सिखाई थी, उसी तरह से अब मैं ये अक्षय कुमार जी की आउटलाइन आपको सिखाऊंगा। और इस फोटो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इस फोटो को और फिर आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। बाकी स्टेप्स तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरह की ग्रिड ड्रॉ करनी है जिसमें होंगी 6 रोज और 4 कॉलम्स। तो एक स्क्वायर का साइज, मतलब एक इसकी लेंथ ब्रेड है 2 सेंटीमीटर हमें लेनी है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड। तो एक स्क्वायर की मैंने बताई आपको, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके पूरा बना लेना। तो टोटल इसमें 6 रोज और 4 कॉलम्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। और ये ग्रिड जो आप बनाओगे इसको लाइट बनाना काफ़ी, मैंने थोड़ी सी डार्क इसलिए बनाई है ताकि आपको वीडियो में ठीक से दिखाई दे, बट अदरवाइज आपको इससे भी लाइट बनानी है ताकि आपको इरेज करने में आसानी हो। और ग्रिड जब बनाओगे पेपर पे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरफ थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, वो इसलिए क्योंकि जो कान है वो ग्रिड के बाहर बनेगा और आप फोटो में देख सकते हो कि इसमें थोड़ा साइड फेस है तो एक ही कान दिख रहा है, तो एक साइड पे हमें ज़्यादा जगह छोड़नी है, दूसरी साइड पे कान नहीं है तो दूसरी साइड पे हम ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरफ स्पेस ज़्यादा छोड़ना जिस तरफ हम कान बनाएंगे। और पेपर ये मेरा A4 साइज़ के, आप अगर A4 साइज़ यूज़ करोगे तो बिल्कुल इसी तरह से 2 सेंटीमीटर की ग्रिड काफ़ी रहेगी। अगर आप A4 से बड़ा पेपर यूज़ करते हो तो आप ग्रिड का साइज़ बढ़ा सकते हो। अब मैं इंपॉर्टेंट रोज और कॉलम्स आपको मार्क करके बता देता हूँ कौन से रहेंगे। तो कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट और सेकंड वाला, और रो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाली। तो ये मैंने क्यों मार्क किया मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसमें आईज बनेंगी, सेकंड से थर्ड वाले में भी बनेगी, बट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकेंड ही रहेंगे। नोज भी इसी में आएगी, फर्स्ट वाले कॉलम में नोज बनेगी, आधी इसमें जाएगी और सेकेंड वाली में ही लिप्स बनेंगे। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने इसलिए क्योंकि थर्ड वाली में आईज बनेंगी, फोर्थ वाली में नोज बनेगी और फिफ्थ वाली में लिप्स बनेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्केच को। हम पहले फेस की आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे, आईज नोज वगैरह हम बाद में बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा साइड फेस है, तो इसमें साइड जो थोड़े से भी साइड फेसेस हो या पूरा साइड फेस हो उसमें आसानी रहती है अगर हम पहले फेस की आउटलाइन बनाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप आईज से स्टार्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज साइड फेसेस में ये ठीक रहता है कि हम पहले फेस की आउटलाइन बना लें तो फिर आईज वगैरह बनाने में आसानी होती है। अभी हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से जो हमने थर्ड वाली रो मार्क की थी, उसका जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, मतलब सेकंड रो के नीचे वाली लाइन है जो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फेस की आउटलाइन बनाना। तो आप देखते जाओ कैसे, बेसिकली यहाँ पे आईब्रो और आईज आएंगे, यहाँ आईब्रो बनेगा इसके ऊपर और नीचे आई बनेगी। तो हम यहाँ से फेस की आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, ग्रिड के अंदर अंदर ही बनानी है हमें। अब नीचे हमें किस तरह से बनाना है उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, जैसे ये जो फोर्थ वाली रो की नीचे वाली लाइन है इसका हम मिडल मार्क कर लेंगे, ऐसे छोटा सा पॉइंट लगा लेंगे मिडल पे, और इस वाले पॉइंट पे मार्क लगा लेंगे। और जो नीचे वाली रो का जो ये वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन, सेंटर वाली ग्रिड लाइन, इसका अप्रॉक्सीमेटली मिडल मार्क कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके आउटलाइन बनानी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर से तो इस तरह से बनेगी, रेफरेंस फोटो में आप शेप देखते जाओ तो आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो ये जो हमने मार्क किया था इसके यहां पे आएगी लाइन ये, अब इसको यहां इस पॉइंट पे ज्वाइन करना है इस तरह से, और अब इसको यहां पे ज्वाइन करना है। अब यहां से यहां पे ज्वाइन करना है, तो थोड़ी डार्क आउटलाइंस तो यहीं तक दिख रही है, ऊपर थोड़ी सी लाइट है वो बाद में हम शेडिंग कर लेंगे यहां पर। ऊपर से भी थोड़ी बना लेते हैं, ऊपर ग्रिड से थोड़े से बाहर बनेंगे बालों की, जो नीचे वाली आउटलाइन हम रफ सी बना लेंगे ऐसे।
यहां तक बनेंगे, ये ग्रिड से थोड़ा सा बाहर जाएंगे। ग्रिड के बाहर का हम बाद में बनाएंगे, तो यहां से आप फिलहाल इतना बना लो ऐसे। तो फेस की आउटलाइन ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे नोज, ताकि अगर हम नोज बना लेंगे तो हमें इस तरफ वाली आई ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इसके और नोज के बीच में फिट आएगी तो ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। और जब ये वाली आई बन जाएगी तो उसी लाइन में फिर दूसरी आई बनाना इजी हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम नोज ड्रॉ करेंगे, और नोज ड्रॉ होगा इस वाली रो में, इस वाले रो और इस कॉलम में। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मिडल नहीं आइए, मिडल से थोड़ा इस तरफ हम लेंगे। बस यहाँ से हमें थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ से नोज स्टार्ट करना है। लेकिन इस वाली लाइन का जो मिडल है ये, यहाँ पे आप छोटा सा निशान लगा सकते हो, तो इधर आएगा नोज, यहाँ से यहाँ तक। ये आउटलाइन आपको बहुत लाइट लाइट बनानी है, क्योंकि हमें शेडिंग के टाइम इसको आउटलाइन हमारी दिखनी नहीं चाहिए जो हम शेडिंग करेंगे। अब ये वाला जो रो है इसके मिडल तक नोज बनाएंगे हम ऐसे, यहां तक। तो ये मिडल वगैरह जो मेजर करते हैं, इसके लिए मैं कुछ स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आपको मिडल लेना होता है जहां जहां मैं बता रहा हूँ आपको। यहां से हम पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं। ताकि हमें पता रहे कि यहां से थोड़ा सा गैप छोड़ के हमें नोज को इधर कंप्लीट करना है। तो नोज की रफ आउटलाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे हम आईब्रो बनाएंगे, इस लाइन के ऊपर आईब्रो और इस लाइन के नीचे आई। तो पहले आईब्रो बनाते हैं, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही बनेगा वो, देखते जाओ आप। यहाँ बहुत डार्क सी शेडिंग है आईब्रो की, क्लियर नहीं है ज्यादा, तो हम बस ऐसे सिंपल सी शेप बना देंगे। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि लाइन के ऊपर ही रहेगा आईब्रो, और यहां से हम ऐसे इसको ऊपर कर देंगे। बस ऐसे एक आईब्रो की आउटलाइन बन चुकी है, और यहां पे भी एक लाइन सी बनी है। ये हम शेडिंग कर लेंगे यहां पे, बट रफ आउटलाइन बना लेते हैं। दूसरा आईब्रो भी लाइन के ऊपर ही बनेगा, पहले हम इस आई को बना लेते हैं। तो ये जो लाइन थी ग्रिड की लाइन, इसके बिल्कुल साथ टच होते होते आई बनेगी। बीच में छोटा सा जो गैप है वो आप छोड़ देना। तो इस तरह से एक आई की आउटलाइन बन जाएगी। अब हमें दूसरी आई ड्रॉ करनी है, तो दूसरी आई के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो क्रॉस बन रहा है यहाँ पे लाइंस का, इसको हम रेफरेंस लेंगे और यहाँ से हम इसके अराउंड रेटिना बनाएंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इधर से। जो इसका मिडल है, अगर आपको वहां से रेफरेंस लेना है इजी हो जाएगा। तो यह जो मिडल है यहाँ पे, इस तरह की जो शेप बन रही है आई की बाहर वाली, वो आएगी यहाँ पे।
बाकी ये जो हमने अभी शेप्स बनाई है, ये जब इसमें शेडिंग करेंगे तब ठीक से हमें दिखेगी। अभी बस रफ आउटलाइंस बनानी है ताकि बाद में शेडिंग करने में आसानी हो। इसके मिडल तक जो ऊपर वाली लाइन जा रही है वो बनेगी। और जो अंदर वाली लाइन है वो यहाँ पे बनेगी। फिर नीचे वाली ऐसे बना देंगे। और एक और। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइंस बना देंगे जैसे हमें रेफरेंस फोटो में दिख रही है, पर इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। ऐसे। अब यहाँ पे आईब्रो की रफ आउटलाइन बना लेंगे इस लाइन के ऊपर ऊपर। अब बनाने हमें लिप्स, और लिप्स बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो इस वाली लाइन का मिडल है वहां से हम पहले नीचे वाली शेप बना लेंगे, जो यहाँ पे रेफरेंस फोटो में आपको इस तरह की शेप दिख रही है ऐसे करके। पहले हम ये बना लेंगे, इस लाइन के ऊपर ऊपर ही रहेगी ये ऐसे ऐसे करके। एक शेप आपको रेफरेंस फोटो में दिख रही होगी, इसको हम शेडिंग करके ठीक करेंगे, बट रफ शेप आपको ऐसे बना लेनी है। अब इसके ऊपर हम लिप्स बनाएंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन आ रही है इसके नीचे, मतलब इसके अंदर अंदर ही रहेगा लोअर लिप। कुछ इस तरह से आपको शेप दिख रही होगी। और जो अपर लिप है वो इस लाइन के नीचे नीचे रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप बन रही है, बीच में ऊपर गैप है, तो वो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। बीच वाली लाइन अब बना लेंगे, जिस तरह से उसकी शेप है वैसे ही बनाना। यहाँ से ऐसे कर्व है, फिर इधर से सीधी है। तो यहाँ तक ही ऐसे लिप्स की शेप बनेगी, फिर इस लाइन से बाहर थोड़ी सी लाइन जाएगी, जो ऐसे लाइन सी जा रही है, डार्क करनी है जिसको हमने। ऐसे। और यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे शेडिंग के लिए। नोज की शेप मैं थोड़ी सी ठीक कर लूंगा, मेरे को यहाँ से थोड़ी सी अलग लग रही है। तो जब आपकी भी आउटलाइन ऐसे कंप्लीट होगी तो आपको अपनी अगर कोई मिस्टेक होगी पता चल जाएगी। थोड़ा सा मोटा बन गया था। सो मेन काम तो हमारा हो गया आउटलाइन का। अब ग्रिड के बाहर हमें बाल बनाने हैं, कान बनाना है, नेक बनानी है, और नीचे टी शर्ट वगैरह बनाना तो ईजी है। नेक और टी शर्ट तो ईजी पार्ट है, कान बनाएंगे हम। कान के आप में, क्योंकि ग्रिड के बाहर बनाने, तो अब इसके लिए हमें ध्यान से शेप बनानी पड़ेगी, और लेंथ का ध्यान रखना कान की, जितनी है फोटो में उतनी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे रफ आइडिया ले सकते हैं कि जैसे आईब्रो यहाँ पे बना है, तो हम देखेंगे कि आईब्रो के ईयर कितना ऊपर आ रहा है फोटो में। इस तरह से हम देख के आइडिया लेंगे फोटो से। आप इस तरह से आइडिया ले सकते हो, एक रफ सा आप आइडिया लेके। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आईब्रो जो है वो, सॉरी, आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर आएगा ईयर यहाँ तक, और नीचे हम देखेंगे तो वो आ रहा है जो नोज़ की, यहाँ पे जो नॉस्ट्रेल ऊपर आ रही है तो उसके यहाँ तक आ रहा है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, तो इतने में हम ईयर बनाएंगे। तो बस ऐसे ईयर की रफ शेप बन जाएगी। अब यहीं से हम ऊपर बाल बना देंगे।
इस तरह से बालों की भी रफ आउटलाइन बन जाएगी। अब नेक बनाएंगे हम। यहां पे वो इधर बनेगी, इधर कॉलर पे माइक भी बना हुआ है तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको बनाना है बना सकते हो आप। सो दैट्स इट, रफ आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको ऑलरेडी ये अक्षय कुमार से काफ़ी हद तक मैच करती हुई लग रही होगी। जब हम शेडिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट लुक आएगा। अब हमें क्या करना है, ग्रिड लाइन्स इरेज कर देनी है, जो मार्किंग की थी वो इरेज कर देना है और बस आउटलाइन रखनी है। फिर उसके बाद हम शेडिंग करेंगे इसमें, और शेडिंग के बाद हम देखेंगे कि इस तरह से एकदम परफेक्ट लुक निकल के आएगी। सो ग्रिड लाइन्स मैंने इरेज कर ली है, बस ये वाली रह गई थी, और आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से आउटलाइन बनानी है, और इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन बनाना, जैसे मैंने स्टेप्स बताए अच्छे से फॉलो करना, तो आपकी भी आउटलाइन अच्छे से बन पाएगी। और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आउटलाइन ही बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा, उसमें हम इसकी शेडिंग करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप शेडिंग बताऊंगा किस तरह से करनी है इसमें। तो फिलहाल आप आउटलाइन बनाओ इसकी इस तरह से, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन बना लेता हूँ, यही बची थी ये भी बना लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम शेडिंग में कंप्लीट करेंगे। जो भी इसमें कोई मिस्टेक होगी वो शेडिंग के टाइम ठीक हो जाएगी। ये हमें बेसिक आउटलाइन मिल चुकी है, इसी तरह से बेसिक आउटलाइन बना के हमें शेडिंग करने में आसानी होती है। तो आप भी इस तरह से आउटलाइन बनाओ, फिर हम शेडिंग का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपका भी स्केच कंप्लीट हो जाएगा। जिन जिन को शेडिंग करनी आती है वो ऐसे इस तरह से आउटलाइन बना के शेडिंग खुद कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं शेडिंग सिखाऊंगा इसकी। तो वो जिनको शेडिंग नहीं आती वो ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल का भी वेट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। जो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। बाय बाय।